हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी कि केदारनाथ टेंपल ड्रॉ करो, ट्यूटोरियल दो। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ट्यूटोरियल, एंड इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो केदारनाथ टेंपल। तो शुरू करते हैं वीडियो। अभी मैं शुरू करने वाला हूँ ड्रॉइंग। तो ये रेफरेंस मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी से लिए, जो है गाय बिहाइंड द लेंसेज, एंड इस रेफरेंस को यूज़ करके मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे नटराज की HB पेंसिल का, जो कि नॉर्मल सी पेंसिल है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बना के। मैं ये फ्री हैंड कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो रूलर का भी यूज़ कर सकते हो इसको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में मैं बहुत लूज़ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइन। मैं अभी ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये परफेक्ट हो। सो अभी मेरा माइंडसेट जो है वो कुछ इस तरह से है कि मेरे को बस यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम इसके ऊपर एक और बॉक्स ड्रॉ करेंगे, एक कुछ इस तरह से, थोड़ा सा इससे हटके। सो या पहले हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया, बड़ा बॉक्स, एक बड़ा रेक्टेंगल, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, एंड अब हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल। इस तरह से हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये अब कुछ एक हर्ट जैसा नज़र आ रहा है, एंड अब हम इसके ऊपर एक और बॉक्स ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ से मैं शुरू करता हूँ बॉक्स। सो मैं डार्क लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, बट आप बहुत ही लाइट लाइंस ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये लाइंस बाद में हम इरेज कर देंगे। एंड अब हमें क्या करना है, अब हम इस बॉक्स को, जो ऊपर वाले बॉक्स को, ऊपर से हाफ थोड़ा एक और इसमें से बॉक्स निकालेंगे, ठीक है। एंड अब यहाँ से कुछ इस तरह से हम लोग इसको कर्व में ड्रॉ करेंगे, ओके। सो ये लाइंस इतनी कोई अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी हम फिलहाल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये वाला हिस्सा। एंड सबसे ऊपर वाले हिस्से के लिए मैं यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करूँगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड हम इस सबसे ऊपर वाले हिस्से के लिए एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करते पहले, एंड हम यहाँ पे अब सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एंड कुछ और छोटे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी ये कुछ कुछ केदारनाथ टेंपल जैसा लग रहा है, बट अभी पूरा प्रॉपर नहीं लग रहा होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एक टेंपल का, एंड अब हम इसमें थोड़ा और डिटेल ऐड करने की कोशिश करेंगे। मैं साइड में यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक और थोड़ा सा नज़र आ रहा है पीछे का हिस्सा इस टेंपल का, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ सेम टेक्निक हम वही यूज़ करेंगे, बॉक्स में पहले ड्रॉ करते रहेंगे सब चीज़ों को। पहाड़ भी ड्रॉ कर लेते हैं, आई थिंक पहाड़ ड्रॉ करने का सबसे ईजी तरीका है कि आप बस लाइन्स ड्रॉ करिए। ये लाइन्स बहुत लाइट हैं तो इसलिए शायद आपको दिखाई ना दे रही हूँ। सो फिलहाल हम लाइंस को इतना ही रखेंगे, एंड अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ का नीचे वाला हिस्सा। सो अब शुरू करते हैं हम थोड़ा सा इसमें डिटेल्स ऐड करना। और तो अब ये वाले हिस्से में अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक कुछ राउंड सी शेप है, तो हम पहले इस शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। एंड इस शेप को आप एक सर्कल भी एज अ मान सकते हो, तो आप इसको ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, बट ये सर्कल हमारा सिर्फ यहाँ तक रहेगा, ठीक है। एंड एक और शेप इसमें पहले मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये अलग से बाहर निकली हुई नज़र आ रही है इसमें, और वो ये कुछ ये इधर से है। तो ये कुछ इसका एंट्रेंस है, आई थिंक ये एंट्रेंस मैंने इसका यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो आप इसमें जहाँ जहाँ लाइन्स हैं, बहुत सारी लाइन्स हैं, तो आप रूलर का यूज़ करिए। मैं डायरेक्ट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप रूलर का यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अब हम इस जो हमने ये बनाया था इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो तो मैं हो सकता है इसे जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हमने पहले लाइन बनाई रही, अब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा हमारा इस
इसके ऊपर वाला हिस्सा बन गया है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे एक और मुझे यहाँ पे फेस जैसा कुछ नज़र आ रहा है राउंड सर्कल में। अब मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ पेपर को ताकि मुझे आसानी हो ड्रॉ करने में। तो मैं बस शेप्स को फॉलो कर रहा हूँ और मैं इसमें डिटेल्स को फिल करना शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे। सो यहाँ पर थोड़ा सा एक गलत हो गया है। तो ये हिस्सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए यहाँ पे मुझे लग रही। अब हम मिस्टेक्स जो हमने हमारी की है अभी तक, अब उनको हम लोग धीरे धीरे सही करेंगे। ओके, तो अब इतना ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको और फिनिश लुक देंगे। अब मैं यहाँ पे अपनी इस मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ करने वाला हूँ। तो आप अब इस पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको शार्प करके इसे ड्रॉ कर सकते हो। ब्रिक्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके, सो ब्रिक्स कैसे ड्रॉ करेंगे? यूजली हम ब्रिक्स को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम कुछ इस तरह से ब्रिक्स ड्रॉ करते हैं, लाइक ऐसे 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 कुछ इस तरह से हम लोग ब्रिक्स को ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से, लाइक ऐसे ऐसे। एंड फिर हमें नीचे वाला हिस्सा कभी बड़ा ही कभी छोटा, एंड समटाइम्स हमें छोटे छोटे ब्रिक्स भी ड्रॉ करने हैं, समटाइम्स हमें बड़े ब्रिक्स भी ड्रॉ करने हैं। तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करके ड्रॉ करना होगा। ओके, सो हमें कुछ इस तरह के ब्रिक्स ड्रॉ करना है, ये हमें नहीं ड्रॉ करना, हमें ये ड्रॉ करना है। ओके,
ओके, तो अभी हम अब करने वाले हैं इसको शेड। और शेड करने के लिए सबसे इजी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप जितने भी इसमें आपको यहाँ पे डार्क एरिया दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा डार्क है, आप उस एरिया को पहले शेड करो। एंड धीरे धीरे हमें शेड करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। और अपनी पेंसिल को शार्प कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स हो सकती हैं, इसलिए अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लीजिए और यहाँ पे शेड करिए। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप वैसे भी वीडियो को अच्छे से देख के शेड कर सकते हो मेरे साथ। तो अब हम शेड करने वाले ब्रिक्स को, और ब्रिक्स को शेड करने के लिए हमें सिंपली हल्के हाथों शेड करना है। एंड यहाँ पे कुछ ब्रिक्स डार्क हैं, तो हमें उसे थोड़ा सा डार्क कर देना है। बस यही चीज़ को हमें फॉलो करते रहना है, और पूरा ऐसे टेम्पल हमें शेड करना है। तो धीरे धीरे हम ये करेंगे, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे मैं शेड कर रहा हूँ, आप उसी तरह शेड करिए अपना टेम्पल। तो जहाँ पे डार्क एरियाज है, आप अपनी पेंसिल को वहाँ पे थोड़ा अच्छे से शेड कर सकते हो, डार्क शेड कर सकते हो। एंड जहाँ पे लाइट एरियाज है, वहाँ पे अपनी पेंसिल को हल्के हाथों शेड करना है। एंड यही प्रोसेस धीरे धीरे करते रहेंगे। एंड शेडिंग कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं होता। जो मेन पार्ट होता है वो है कंस्ट्रक्शन। हमारी ड्राइंग अच्छी दिखनी चाहिए, प्रॉपर लाइन्स होनी चाहिए, एंड कुछ भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, एंड सब कुछ शेप में होना चाहिए। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड शेडिंग आप धीरे धीरे कर लोगे, मुझे पता है, आप पे भरोसा है मुझे आपको। एंड अब हम बढ़ेंगे माउंटेन्स की तरफ। तो माउंटेन्स को शेड करने के लिए मैं अपनी पेंसिल नटराज की पेंसिल को इस्तेमाल कर रहा हूँ इस समय। और मैं डायरेक्ट अपनी पेंसिल को, जैसे हम पेन होल्ड करते हैं उस तरह से नहीं पकड़ा है मैंने, मैंने साइड से पकड़ा है, ताकि मैं पेंसिल का साइड वाला हिस्सा इस्तेमाल कर सकूँ, ना कि उसकी टिप इस्तेमाल कर सकूँ। तो इससे एक अच्छा टेक्सचर मिल जाता है मुझे माउंटेन्स पे। एंड यही चीज़ आपको करनी है अपनी ड्राइंग में। और धीरे धीरे अगर आप इस तरह से करते हो और इस तरह से फॉलो करते हो इस वीडियो को, तो डेफिनेटली आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे एक बढ़िया सा टेम्पल। एंड उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो। और अगर आप ये ड्राइंग ड्रॉ करते हो और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो, तो डेफिनेटली मुझे मेंशन करना मत भूलना। मेरी आईडी है aj_ajyvarma03, आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो रही होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।